हाय गाइस, वेलकम बैक टू अवर न्यू वीडियो। तो एक बार फिर से आप सभी के लिए लेकर के आ चुके हैं एक और न्यू धमाकेदार वीडियो। तो गाइस, आज की वीडियो होने वाली गाइस हमारी काफ़ी ऑसम होने वाली है। और गाइस यहाँ पे देखते हो, मैंने मेरे दोनों हाथों में दो दो चीज़ें पकड़ी हुई हैं। तो गाइस आप भी इन्हीं तरीके से आप कुछ भी चीज़, जो भी आप सामान आपके हाथ में पकड़ना चाहते हो वो यहाँ से आप गाइस पकड़ सकते हो। जैसे गाइस यहाँ पे मैं इसको हटा लेता हूँ, यहाँ पे गाइस मैं पिकैक्स रख लेता हूँ। तो यहाँ पे देखते हो गाइस मैंने पिकैक्स पकड़ लिया मेरे दूसरे हाथ में। तो इस प्रकार से गाइस आप कुछ भी, जो भी आप चीज़ पकड़ना चाहते हो वो यहाँ से आप गाइस आपके हाथ में पकड़ सकते हो। और गाइस पूरा जावा पे बेस्ड है तो आप पकड़ सकते हो। लेकिन गाइस आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे गाइस जो आपका फर्स्ट स्लॉट है तो इसको गाइस आपको खाली करना पड़ेगा यहाँ से। यदि गाइस आप फर्स्ट स्लॉट में कोई चीज़ें रखते हो तो यहाँ पे गाइस आपके सेकंड हाथ में कुछ भी चीज़ें नहीं पकड़ सकते हो, देख सकते हो। तो आपको गाइस क्या करना पड़ेगा, आप जैसे टॉर्च है उसको गाइस आपको यहाँ पे रखना पड़ेगा आपके फर्स्ट हैंड में। उसके बाद में गाइस आपको इसे सेकंड हैंड में आपके रख सकते हो। और यहाँ पे आपकी स्वॉर्ड जो भी पकड़ना चाहते हो वो पकड़ लेना। और आपको पहले जो भी सामान आपको सेकंड हाथ में पकड़ना है उससे पहले आपको फर्स्ट स्लॉट में रखना है। उसके बाद में गाइस आप उसे यहाँ पे रख सकते हो इस प्रकार से। और सेकंड हाथ में आप गाइस कुछ भी, जो भी पकड़ना चाहते हो वो पकड़ लेना, ठीक है इस प्रकार से। तो इस प्रकार से आप गाइस कुछ भी चीज़ आपके हाथ में पकड़ सकते हो। और भी गाइस यही नहीं, काफ़ी सारी चीज़ें हैं। जैसे गाइस यहाँ पे फॉक्स है, तो गाइस फॉक्स को मैं मारता हूँ तो यहाँ पे देखते हो इस प्रकार का आपको ब्लडिंग का इफेक्ट देखने को मिलेंगे। और साथ ही साथ गाइस यहाँ पे आपको ये स्वॉर्ड जो मारता है, जो स्वॉर्ड अभी इफेक्ट यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे देखते हो ब्लडिंग का इफेक्ट प्लस स्वॉर्ड का इफेक्ट यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। आपको गाइस फिर से किसी चिकन पे या सीप स्पॉन कर लेता हूँ मैं। और गाइस सीप के ऊपर यदि मैं देता हूँ इससे, तो गाइस यहाँ पे इस प्रकार से आपको ये देखने को मिलेगा। देखते हो दूसरे सीप को भी डैमेज पड़ा है। तो यहाँ पे गाइस मैं फिर से मारता हूँ तो अब की बार तो थोड़ा आपको देखने को नहीं मिला होगा, लेकिन चिकन पे गाइस आपको काफ़ी अच्छा देखने को मिलेगा। तो आप देखते हो चिकन मर भी चुकी है। तो इस प्रकार से आपको गाइस ब्लड इफेक्ट और ये भी आपको देखने को मिलेंगे, जो गाइस काफ़ी ओसम है। एडवांसमेंट में देखने को मिलेंगे, जैसे कि यहाँ पे मैंने जैसे ही वुड कलेक्ट करी तो यहाँ पे गाइस गेटिंग एडवांसमेंट। तो यहाँ पे गाइस आपको वुड का एडवांसमेंट भी देखने को मिल गया है। तो यदि तो फिर से तो मिलेगा नहीं, लेकिन मैं फिर से तोड़ रहा हूँ क्या पता। तो यहाँ पे गाइस आपको एक एडवांसमेंट मिल चुका है। यदि मैं यहाँ पे बना लेता हूँ क्राफ्टिंग टेबल, तो यहाँ से गाइस मैं बना लेता हूँ क्राफ्टिंग टेबल, तो क्राफ्टिंग टेबल का गाइस मेरे को आई थिंक एडवांसमेंट मिलेगा। सो गाइस यहाँ पे मैंने क्राफ्टिंग टेबल बना लिया, और क्राफ्टिंग टेबल बनाने के बाद में गाइस यहाँ पे क्राफ्टिंग टेबल का एडवांसमेंट भी आ चुका है। तो इस प्रकार से गाइस काफ़ी सारे एडवांसमेंट है वो गाइस यहाँ से आप इजीली ले सकते हो। यहाँ पे जो गाइस आपकी जो सेटिंग्स है, ऑप्शंस है, वो आपको इस प्रकार से देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पे गाइस आपको सभी चीज़ें यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगी। यहाँ पे गाइस आप ऑप्शंस में जाओगे, जो गाइस आपकी सेटिंग्स होगी वो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएंगी। और बता देता हूँ आपको गाइस क्रिएटिव सर्वाइवल आपको किस प्रकार से आना है। यहाँ पे इसके ऊपर आपको क्लिक करना, तो यहाँ से क्रिएटिव सर्वाइवल जा सकते हो। तो ये कुछ सेटिंग्स थी जिनको आप देख लेना। और गाइस यहाँ पे गाइस जो भी आप आपकी इन्वेंट्री इस प्रकार से ओपन करोगे, तो यहाँ पे गाइस आपको जावा एडिशन की इन्वेंट्री आपको देखने को मिलेगी यहाँ पे। तो यहाँ से गाइस मेरे को कुछ चीज़ें चाहिए वो ले लेता हूँ मैं फास्टली। एडवांसमेंट मिल चुका है हार्डवर्क का, तो एक एडवांसमेंट फिर चल गया मिल चुका है। गाइस हमने एक आयरन गोलम बना लिया, और गाइस एडवांसमेंट आपको काफ़ी सारे मिलते रहेंगे, तो एडवांसमेंट ले लेना। और गाइस यहाँ पे गाइस मैं इसको डैमेज देता हूँ, तो ये मेरे को तो मारेगा तो नहीं, लेकिन मैं इसको आपको डैमेज देना पड़ेगा। तो गाइस डैमेज दे दिया, अब गाइस यहाँ पे गाइस मैं जाऊँगा इसके पास आयरन का इंगट लेकर के, तो गाइस मैं इसे रिपेयर कर सकता हूँ। देखते हो गाइस यहाँ पे रिपेयर का ऑप्शन है, तो यहाँ पे गाइस देखते हो रिपेयर हो चुका है। तो गाइस आप इस प्रकार से इन्हें इजीली रिपेयर कर सकते हो। अब गाइस मैं आपको फटाफट से चल के बता देता हूँ इसको गाइस आपको किस प्रकार से लगाना है आपके माइनक्राफ्ट में। तो गाइस चलते हैं, पहले तो मोबाइल की स्क्रीन माइनक्राफ्ट ओपन होने के बाद में आपको गाइस क्या करना है, आपको सेटिंग का जो ऑप्शन होता है उसमें आपको आ जाना है। और यहाँ पे गाइस आपको एक ग्लोबल रिसोर्स नाम का एक पैक मिलेगा। यहाँ पे आपको जावा एडोन है, इसको गाइस आपको एक्टिव कर देना है यहाँ पे, तो ये आपका एक्टिव हो जाएगा। और गाइस यहाँ पे आपको कुछ सेटिंग्स भी देखने को मिलेगी आपको जावा की, ठीक है, रेजुलेशन देखने को मिलेगा आपको जावा का, और जावा 4 ऑक्टिफाइन लगा सकते हो, और ये जावा कॉम्पैक्ट है, रिकमेंडेड एक्टिव बिहेवियर पैक एंड एक्सपेरिमेंटल्स। तो यहाँ पे गाइस जब जो भी करना चाहते हो वो कर सकते हो। लेकिन तो यहाँ पे आपको कुछ भी चेंज नहीं करना है, आपको जावा ही रखना है। उसके बाद में आपको बैक पे क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे आपके लोडिंग रिसोर्स पैक लगने में थोड़ा टाइम लेगा। उसके बाद में आपको गाइस क्या करना है, तो गाइस आप उसको लगा लोगे तो गाइस फाइनली गाइस आपका इस प्रकार से आपको देखने को मिल जाएगा। उसके बाद में यहाँ पे आपको प्ले के ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है, और मतलब कि पूरी आपकी चीज़ें जो होती हैं जो चेंज हो जाएंगी यहाँ पे। लेकिन गाइस टेंशन करने की कोई ज़रूरत बात नहीं है। यहाँ पे गाइस आपको एक न्यू वर्ल्ड क्रिएट करने का ऑप्शन मिल जाएगा, क्रिएट न्यू पे आपको क्लिक कर लेना है। और गाइस यहाँ पे आपका ये पूरा का पूरा चेंज हो जाएगा इस प्रकार से। तो यहाँ पे गाइस आपको वही सर्वाइवल क्रिएटिव और जो भी कुछ करना चाहते हो तो यहाँ से कर सकते हो। तो यहाँ पे गाइस मैं क्रिएटिव कर लेता हूँ इसको, और गाइस आपको जाना है पहले रिसोर्स पैक में, और जावा वाला है इसको यहाँ पे आपको एक्टिव कर लेना है। और उसी के साथ साथ बिहेवियर पैक में जाओगे तो गाइस इसको भी यहाँ से गाइस आपको एक्टिव कर लेना है।
कंटिन्यू पे आपको क्लिक कर देना। तो यहाँ पे आपको रिसोर्स पैक में देखने को मिलेगी सेटिंग्स का ऑप्शन, तो इसके ऊपर आप क्लिक करके और रेजुलेशन आप जावा रख सकते हो। और मैंने बताया था तीनों के तीनों रेजुलेशन जावा ऑप्टिफाइन, और यहाँ पे कैसे आपको जावा बिहेवियर देखने को मिल जाएंगे, तो इन तीन चीज़ें देखने को मिल जाएंगे, तो इनको आपको क्लिक कर देना है। बिकॉज मोर एक्सपेरिमेंटल्स तो मेरे को कहीं पर दिख नहीं रहे हैं इसमें। तो उसके बाद मैं यहाँ पे आपको क्रिएट के ऑप्शन पर क्लिक करके और आपके वर्ल्ड को जनरेट कर लेना है। तो आपका वर्ल्ड जिस प्रकार से जावा एडिशन में होता है क्रिएट, वैसे ही होना स्टार्ट हो जाएगा आई थिंकली। तो देख लेना किस प्रकार से होगा। और उसके बाद में गाइस क्या करना है, क्या क्या चीज़ें हैं वो मैं आपको बता दूंगा। सो गाइस यहाँ पे माइनक्राफ्ट ओपन हो चुका है। माइनक्राफ्ट ओपन होने के बाद में आप देख सकते हो गाइस यहाँ पे आप गाइस दोनों के दोनों चीज़ें यहाँ पे देख सकते हो गाइस, आप दोनों हाथों में आपकी चीज़ें पकड़ सकते थे। और गाइस ये नहीं जो काफ़ी सारी चीज़ें जो मैंने पहले ही बता दिया। तो आई होप आप सभी को वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक कर देना, और जो भी चैनल पर नए हो सब्सक्राइब करके जरूर जाना। तो मैं मिलता हूँ आपसे एक और ऐसी न्यू बेहतरीन वीडियो में, तब तक के लिए गाइस बाय बाय, टेक केयर, गुड बाय गाइस।